एक पुराने प्लेन फोन बैक कवर को किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन यूज कर हम एक नई लुक दे सकते हैं, आज हम यही ट्राई करेंगे। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रीनाज इनोवेटिव लाइफ पे। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये प्लेन फोन बैक कवर था और मैं इसके ऊपर वाइट कलर का एक्रेलिक पेंट लगा करके इसको एक बेस कोट दे रही हूँ। और देखिए हम इसको किस तरह से एक नया और एक खूबसूरत लुक देते हैं। तो आप भी इस तरह से अगर आपके पास कोई पुराना प्लेन फ़ोन बैक कवर रखा है तो आप उसको भी एक नया और खूबसूरत लुक दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बेस कोट वाइट कलर दे दिया है। ये मेरा बेस कोट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। देखिए अब इसको जब आपका बेस कोट कंप्लीट हो जाए तो इसको ड्राई कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर ही एक्रेलिक के जो पर्ल कलर्स आते हैं उसका पिंक कलर का शेड यूज़ कर रही हूँ। एक स्पॉन्ज का पीस ले लीजिए और उसकी हेल्प से आप ये पिंक कलर इस पर अप्लाई कर दीजिए। ये डेकोपैच शीट है। डेकोपैच शीट से मैंने कैंडल होल्डर्स पहले भी आपको बना करके दिखाए हैं, आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर वाटर लगा लीजिए ब्रश से, तो ये डेकोपैच शीट जो है बहुत इजीली टियर हो जाती है। ये देखिए ब्रश की हेल्प से थोड़ा वाटर लगाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए और ये बहुत ही आसानी से निकल आती है। 3 लेयर्स में होती है क्योंकि ये डेकोपैच शीट, 2 लेयर्स आप निकाल दीजिए और फाइनल लेयर वो हमको इस पर अप्लाई करनी होती है। ये देखिए ये है फाइनल लेयर। आप इसको जिस तरह से भी सेट करने चाहते हैं पहले उसको रख कर देख लीजिए। और ये ग्लू की हेल्प से, ये मैंने होम मोड हैंडमेड या होम मोड मॉडपॉज घर पे ही बनाया है फेविकॉल और वाटर की हेल्प से। आप चाहें तो मार्केट का मॉडपॉज भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है वो, तो घर पर बना लीजिए। फेविकॉल और वाटर का इक्वल रेशो ले लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो आपका घर पर ही आप अपना मॉडपॉज बना सकते हैं। आप डेकोपैच करते हुए थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाइए और ब्रश को पीछे से आगे की तरफ लेकर के आएंगे तो आपके एयर बबल्स नहीं बनेंगे, रिंकल्स नहीं आएंगे। जो भी अगर एयर उसके अंदर होगी वो एयर ब्रश को आगे स्ट्रोक देने की वजह से वो एयर वहाँ से निकलती जाएगी और रिंकल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ये डेकोपैच वर्क जो है फाइनल, जब आप फाइनल लुक देखते हैं तो इस तरह से लगता है कि जैसे आपने उसको पेंट किया है। तो वो लोग जो पेंटिंग करने का शौक़ तो रखते हैं लेकिन पेंटिंग नहीं कर पाते हैं, अपनी चीज़ों को पेंटिंग जैसा लुक नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए डेकोपैच वर्क जो है बहुत ही मज़ा आएगा उनको ये करने के लिए। तो आप से रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। डेकोपैच शीट कहीं पर भी आपको मिल जाती है, आजकल क्राफ्ट स्टोर्स बहुत सारे होते हैं वहाँ पर मिल जाती है। देखिए जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको वाटर लगा करके आप बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। एजेस पे भी मैं डेकोपैच कर रही हूँ, ग्लू लगाइए और ये बहुत आसानी से स्टिक होता जाता है। एक पूरा लेयर इसके बाद आप अपना ग्लू का इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये सील एंड सिक्योर हो जाएगा और ग्लॉसी भी हो जाता है। यहाँ पर मैं एक शीट और यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाला जो पार्ट है इस शीट का बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, तो मैं इसको भी अपने फ़ोन कवर पे यूज़ करूँगी। सेम ब्रश पे वाटर लगाइए, इसको थोड़ा सा वेट कीजिए और बहुत इजीली ये टियर हो जाएगा। रफ़ टियरिंग ही ज़्यादा अच्छी रहती है, सीज़र से टियर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप इस पर ग्लू लगाते हैं तो ये जो टियरिंग है वो अब दिखाई नहीं देती। आप किसी भी चीज़ पर आप डेकोपैच कर रहे हैं ये आपका मर्ज हो जाता है उसमें बिल्कुल। ये देखिए 1 लेयर, 2 लेयर एंड 3rd इन द फाइनल लेयर। दिस इज द 3rd इन द फाइनल लेयर। वी विल यूज दिस लेयर ओनली। ग्लू लगाइए, छोटा पार्ट है तो आप ऊपर से भी ग्लू लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं। एक कटिंग मैं यहाँ पर और यूज़ कर रही हूँ फ्लावर की। मैं अपने पूरे
फ़ोन के बैक कवर को डेकोपैच नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो पूरे फ़ोन के बैक कवर को भी डेकोपैच कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने पिंक पर्ल कलर यूज़ किया है तो मैं कहीं कहीं पर उसको भी शो करना चाहती थी, इस वजह से मैंने पूरे में डेकोपैच नहीं किया है। आप पूरे में भी डेकोपैच कर सकते हैं, जब आपका पूरा डेकोपैच वर्क हो जाए तो आप पूरे अपने फ़ोन के बैक कवर को एक बार ग्लू लगा दीजिए अच्छे से, जिससे आपका जो ये डेकोपैच वर्क पूरी तरह से सील, सिक्योर एंड वाटरप्रूफ हो जाएगा। अगर आप बारिश में जा रहे हैं या किसी भी कारण से ये भीग गया तो घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा कहीं पर आउटलाइन कर दूंगी, ताकि ये थोड़ा सा और निखर के आएगा। जैसे ये हार्ट शेप है, मैं यहाँ हार्ट शेप को ब्लैक कलर से थोड़ा आउटलाइन दे दूंगी, तो ये थोड़ा सा और मेरा फ़ोन का जो बैक कवर है वो और अट्रैक्टिव लुक देने लगेगा और खूबसूरत लगेगा। ये एक्रेलिक का ही ब्लैक कलर है, जो नॉर्मली जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क करते हैं वो इससे फेमिलियर है और वो जनरली इसको यूज़ करते ही हैं। यहाँ पर मैं फ्लावर्स को भी थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक्रेलिक के जो नियॉन कलर्स के शेड्स आते हैं उसी का पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ, और इसको कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा सा आउटलाइन कर दूंगी, जिससे हमारा जो ये डेकोपैच वर्क है ये थोड़ा सा और निखर के उभर के आए। आप देखिए जैसे जैसे ये कंप्लीट होने की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव और कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता जा रहा है। और ये आर्टवर्क इतना इजी है कि इसको कोई भी कर सकता है, इसमें आपको ये कोई मैटर नहीं करते कि आपको पेंटिंग आती है या नहीं आती है, क्योंकि ये शीट जो ये आप शीट से काम कर रहे हैं, ये देखिए मेरा ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने ही वाला है। यहाँ पर मैं हल्का सा कहीं कहीं और टचअप दूंगी ब्लैक कलर से। डेकोपेज शीट जो है आजकल क्राफ्ट स्टोर पे कहीं पर भी मिल जाती है, अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन पे मिल जाएगी आपको, इट्सी बिट्सी है, बहुत सारी इस तरह के आजकल वेबसाइट्स हैं जिन पर कि आपको डेकोपेज नैपकिन जो है मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं किसी कारण से तो आप कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिए A4 साइज के पेपर पर और उसको कटिंग करके भी आप ये मैथड अप्लाई करके इसको आप डेकोपैच कर सकते हैं किसी भी चीज पर। ये मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जब आपका पूरा आप इसको टचअप दे दें, इसको खूब अच्छे से ड्राई कर लीजिए ताकि आपने जो भी कलर यूज़ किया है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और एक बार ग्लू का, चाहे आप होममेड ग्लू यूज़ कर रहे हैं चाहे आप मार्केट का मॉडपॉज यूज़ कर रहे हैं, उसका एक कोट पूरे अपने फ़ोन कवर पर ज़रूर दे दें। और चाहे तो आप वाटर बेस्ड वॉर्निश जो मार्केट में आती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ है, पानी में भीग जाए लेकिन तभी भी इसका कलर या कुछ भी इसमें से नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने इसमें 2-3 कोट जो है अपने ग्लू के बहुत अच्छे से अप्लाई किए हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत अब ये हमारा फ़ोन का बैक कवर बन चुका है। आप अपने भी किसी भी पुराने फ़ोन के बैक कवर को नई लुक दीजिए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, आपने ट्राई किया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।